हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं HCF और LCM। प्राइम फैक्टराइजेशन हम पिछली वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। उसी का यूज़ करके हम HCF और LCM फाइंड करेंगे। अब देखिए, 72 और 144 का हमें HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 72 के फैक्टर करो, 2 से डिवाइड हो जाएगा 36, 18, 9, 3 टाइम्स 3 से ये 1 टाइम्स, ठीक है। 144 के भी कर लेता हूँ मैं, कितना आएगा, 72, 36, 18, 9 टाइम्स आएगा, फिर किससे आएगा, 3 से आएगा 3 टाइम्स, और 3 से ये 1 टाइम्स। अब इनके फैक्टर लिखो यहाँ पे, 72 के कितना आएगा ये, 1, 2, 3, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और 3 दो बार आया, 3 के स्क्वायर, ठीक है। 144 के क्या होंगे, एक 4 टाइम्स आया 2, तो 2 की पावर 4, और 3 आया 2 टाइम्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो HCF के लिए क्या है, दोनों में हमें कॉमन देखना है, ठीक है। कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर। तो देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो आप 2 की जो लीस्ट पावर होगी उस वाले के लेंगे। 2 की 1 पावर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो लीस्ट पावर वाला कौन सा होगा, 2 की पावर 3, तो उसको लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दो लीस्ट पावर वाला लेना, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है पावर, तो ले लेंगे, ठीक है, किसी एक को ले लेंगे। तो ये इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो इसका HCF कितना आ गया, 72। LCM के लिए भी ध्यान से सुनना, HCF में क्या था, दोनों में कॉमन देखते थे। LCM में क्या, कॉमन नहीं देखना, वो फैक्टर दोनों में होना, दोनों में हो, लेकिन उसकी जो पावर है मैक्सिमम वाला सेलेक्ट होगा इसमें। इसमें मिनिमम वाला पावर वाला ले रहे थे, लेकिन वो कॉमन भी होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, LCM में वो नंबर जो फैक्टर है दोनों में हो या ना हो, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम पावर वाला होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो 2 2 वालों में मैक्सिमम पावर वाला सेलेक्ट क्यों हुआ, ठीक है। यहाँ पे 3 का दोनों का बराबर है, तो इक्वल रहेगा, ठीक है। ये 16, ये 9, कितना हो गया, 144। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में समझाता हूँ मैं, और इसमें और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। 12 और 12, 20, 48, तो 12 के करो सबसे पहले, कितने बार, ये 6, 2 से 3 टाइम्स, और 3 से 1 टाइम्स, तो 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 का स्क्वायर, 2 जो 2 है हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, और 3 1 टाइम्स आ रहा है। 20 के करो इसी टाइप से, 20 के क्या होंगे, 2 से ये 10 टाइम्स, 2 से ये 5, और 5 से ये 1 टाइम्स, तो 2 2 टाइम्स आया, और 5 1 टाइम्स आया। 48 के करो इसी टाइप से, क्या क्या होंगे, 2 से ये 24 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, और 2 से ये 6 टाइम्स, 2 से ये 3 टाइम्स, और 3 से ये 1 टाइम्स, तो 1, 2, 3, 4, 2 तो 2 की पावर 4 टाइम्स, एंड 3 की पावर 1 टाइम्स। HCF कैसे निकालते हैं, जो वो फैक्टर है कॉमन होना, तीनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, जितने भी हों उसमें सब में कॉमन होना चाहिए। तो 2 जो हमारा, 2 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी, ठीक है, तो तीनों जगह मिल गया हमें। 2 की जो लीस्ट पावर होगी उसको सेलेक्ट करेंगे। 2 की पावर लीस्ट को क्या है हमारी, 2 है, ठीक है। 2, 2, 4 में से लीस्ट क्या, 2 की पावर 2। नेक्स्ट 3, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन ठीक है, तो नहीं सिलेक्ट होगा, नहीं लेंगे, क्योंकि तीनों जगह होना चाहिए था। 5 केवल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, यानी 4। LCM के लिए करो, LCM के लिए क्या करेंगे, वो फैक्टर दोनों में हो या ना हो, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो मैक्सिमम पावर वाला 2 की पावर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, फिर 2 के बाद 3, 3 का मैक्सिमम पावर वाला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। देखिए HCF में सब जगह कॉमन देखते हैं, LCM में मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो 1 इक्वल है। नेक्स्ट 5, नेक्स्ट हमें 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 एक ही जगह, 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, LCM, या आया 16, ये आ गया 15, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छक्के 90,
240 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। 336 एंड 54, 336 के करेंगे सबसे पहले। 336 के ये कितने बार आ गया, 16 एक बचा, ठीक है। 2 से ये 84 टाइम्स, 2 से ये 42, 2 से ये 21, ये फिर 3 से जाएगा 7 टाइम्स और ये 7 से, ठीक है। 336 के जो फैक्टर आए कितना है, 1 2 3 4, 2 की तो पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, ठीक है। 54 के मैं करता हूँ क्या आएंगे मेरे, 2 से ये 27 टाइम्स, ये 3 से 9 टाइम्स, 3 से ये 3 टाइम्स और 3 से ये 1 टाइम्स। 2 की पावर 54 के क्या है मेरा, 2 की तो पावर 1, एक बार आया 2 और 3 की पावर 3, ठीक है। तो एस सी एफ के लिए दोनों में कॉमन देखेंगे, फैक्टर 2 जो वो यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, तो उसकी मिनिमम पावर वाले लेंगे 2 की पावर 1, ठीक है। 3 यहाँ पे भी यहाँ पे भी है, तो मिनिमम पावर वाला क्या हो गया, 3 की पावर 1। 7 केवल यहाँ पे है, कॉमन दोनों जगह नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो एस सी एफ क्या आ गया, 6। एल सी एम के लिए क्या करेंगे, पहले 2 देखेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4, तो उसको ले लेंगे। नेक्स्ट 3, 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3। नेक्स्ट उसके बाद क्या देखेंगे, 7 आ गया, ठीक है, 7 दिख रहा हमें, तो 7 की पावर 1, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, ये हो गया कितना, 27, ये हो गया 7, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो कितने आएगा, 16 7 की इसमें करो 42, 11 मल्टीप्लाई बाय 27, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, कितना आएगा, 7 14 7 और 1 8 4 2 2, ठीक है, 4 12 9 1 10, इस तो इसका कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3024। नेक्स्ट करते हैं इसी टाइप से, अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 40 के करो सबसे पहले, ये 20 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स और ये 5 से 1 टाइम्स। 36 के भी मैं हाथों हाथ निकाल रहा हूँ, 18 टाइम्स, 2 से ये 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से ये 1 टाइम्स। अब 126 के करो, 126 के करेंगे 63 टाइम्स, अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 से 21, 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम्स। 40 के मैं लिखता हूँ कितना आएंगे, 1 2 3, 2 की तो पावर 3 और 5 की पावर 1। 36 के मैं लिखूँगा तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ठीक है। 126 के मैं लिखता हूँ तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। एस सी एफ के लिए कॉमन होना चाहिए, तो 2 2 2 यहाँ पे भी है, 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1, ठीक है। अब देखिए और क्या, 3 3 नहीं है यहाँ पे, 7 यहाँ पे नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं है, तो एस सी एफ कितना आ जाएगा इसका, 2। एल सी एम देखेंगे तो पहले फैक्टर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 का फैक्टर के मैक्सिमम 3, ठीक है, 2 की पावर 3, उसके बाद क्या आएगा हमारा, 3, 3 के मैक्सिमम पावर 2, उसके बाद 5 आ रहा है, 5 की पावर 1, ठीक है, और फिर 7 भी आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 35 हो गया। 72 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आ जाएगा, ये 72 में 35 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये कितना आएगा, 5 10 5 35 36, और ये 3 6 0 12, और ये 1 4 1 5, ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 2 2 5 2 0, ठीक है, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम आगे।